भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, उस हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान अधिक मास में प्रकट होते हैं। अगले वर्ष सावन का महीना अधिक मास है, दो सावन है अगले वर्ष, जिसको हम कहते हैं भगवान ने उस अधिक मास को अपना स्वयं का नाम दिया। उस अधिक मास को क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास। तो भगवान ने अपना स्वयं का नाम दिया। पुरुषोत्तम मास में स्नान करने से 1000 गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बालक पुरुषोत्तम महीने में नित्य प्रति स्नान करे, भगवान विष्णु को दीपक जलाए, तो उसके यहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। बुद्धिहीन बालक यदि पुरुषोत्तम मास में दीपदान करता है, जिसकी बुद्धि की कमी है, अकल कम है, यदि ऐसा बालक पुरुषोत्तम के महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में दीपक दान करता है, तो वह बहुत बुद्धिशाली बनता है, बुद्धिमान बनता है। पुरुषोत्तम महीना का बड़ा महत्व है। किसी कन्या का यदि विवाह में विलंब हो रहा है, किसी कन्या का यदि विवाह में किसी कारणवश विलंब हो रहा है, विवाह की उम्र हो गई है और विवाह में यदि विलंब हो रहा है, तो पुरुषोत्तम महीने में पीले फूल यदि भगवान विष्णु को अर्पित करे, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसका विवाह तुरंत हो जाएगा। बोलो श्री राम जय राम। ऐसा पुरुषोत्तम महीना का नियम है, महत्तम है। यदि किसी बालक का विवाह नहीं हो रहा, किसी कारणवश रुकावट आ रही है, विवाह की उम्र हो गई और बालक का यदि विवाह नहीं हो रहा, तो पुरुषोत्तम महीने में वह लाल गुड़हल के जो फूल रहते हैं, अथवा गुलाब के, लाल गुलाब या लाल गुड़हल, गुड़हल होते हैं, सिंगल फूल होता है बड़ा लंबा सा, वह भगवान विष्णु को यदि 31 दिन समर्पित करता है, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसका विवाह अवश्य होगा। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। यही तो भागवत के नियम है, बताने वाला चाहिए। सब कुछ है भागवत में। इस संसार सागर में ऐसा कुछ नहीं है जो भागवत में ना हो। 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से यह निकला हुआ ग्रंथ है। राजा परीक्षित को मोक्ष देने वाला यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, उजागर करने वाला चाहिए। तो जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, पुरुषोत्तम महीने में यदि पीले फूल भगवान विष्णु को 31 दिन समर्पित करती है वह कन्या, उसका अवश्य विष्णु भगवान की कृपा से विवाह होगा। यदि किसी बालक का विवाह नहीं हो रहा, तो वह लाल गुड़ैल अथवा लाल गुलाब के फूल भगवान विष्णु को 31 दिन समर्पित करता है, घी का दीपक जलाता है, ग्रत का दीपक जलाता है, तो उसका भी भगवान की, विष्णु की कृपा से अवश्य विवाह होगा। बोलो श्री राम जय राम। आगे भगवान ने वामन अवतार धारण किया। आताताई दुष्ट जो हेहय वंशी राजा थे, हेहय जानते हैं आप? हेहय किसको कहते हैं? हेहय कहते हैं भैंसों को। किसको कहते हैं? भैंस को। तो जिन राजाओं ने गाय की पूजा बंद कर दी थी और भैंस को पाल लिया था, ऐसे राजा, ऐसे आताताई राजाओं को भगवान वामन ने अपने धाम पहुंचाया, उनका संहार किया। बोलो श्री राम जय राम। समस्त हे वंशी राजाओं का संहार करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। आगे सत्यवती वेद व्यासी, सत्यवती के गर्भ से व्यासी महाराज उत्पन्न होते हैं। वेद व्यास, व्यासी महाराज ने सभी ग्रंथों की रचना की। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, सभी ग्रंथों की रचना की। व्यासी महाराज ने विस्तार के साथ जब इनको बनाया, तो इनका नाम व्यास हुआ। बोलिए व्यासी भगवान की जय हो।
आगे भगवान ने सूर्य वंश में राजा रामचंद्र के रूप में अवतार धारण किया। राम राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणा विहता निसाचराय चरम, रामाय तस्मै नमः, रामेणा परायणं परतरम, रामस्य दासो अहम्, रामे चिंतलया सदा भवतु, हे राम माम उद्धारयो। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यं श्री राम नाम बरानने। रावण के अत्याचार से यह सारी धरती कांप गई। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं की स्तुति करने के पश्चात भगवान ने कहा, हे देवताओं, अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पर अनशन सहित मनुज अवतारा, ले यही दनकर वंश उतारा, मैं अपने अंशों के साथ अवतार धारण करूंगा और दनकर यानी सूर्य कुल में मैं अवतार धारण करूंगा। भगवान ने राम जी के रूप में अवतार धारण किया। राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई की, आताताई दुष्ट रावण को अपने धाम पहुंचाया और इस संसार सागर में पुनः धर्म की स्थापना की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान ने इसके पश्चात बलराम के रूप में धारण जन्म लिया। बलराम जी महाराज कृष्ण भगवान की जो दूसरी माँ थी, उनके गर्भ से, रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इनका नाम एक संकर्षण भी था। बलराम भगवान ने भी इस संसार सागर में खेती करना सिखाया। जैसे प्रथु महाराज का हथियार हल था, ठीक उसी प्रकार बलराम जी महाराज का अस्त्र भी हल ही था। उन्होंने भी पुनः खेती करना हमको सिखाया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। आगे भगवान ने कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनेकों अनेक यदुवंशी जो धर्म से अधर्म की ओर चले गए थे, यदुवंशी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन कुछ यदुवंशी अधर्म की ओर चले गए थे। उन यदुवंशियों में से एक कंस भी था। एक दुर्योधन और दुशासन था। ऐसे यदुवंशी जो धर्म से अधर्म की ओर चले गए थे, ऐसे अधर्मियों के नाश के लिए मेरे प्रभु ने कृष्ण अवतार धारण किया। इस संसार सागर से पाप को नष्ट करके इस संसार सागर में धर्म का प्रभाव बढ़ाया, धर्म की स्थापना की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यम परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस संसार सागर में हर युग में मेरे प्रभु ने अवतार धारण किया। तत्पश्चात भगवान ने हरि रूप धारण किया, फिर हंस का रूप धारण किया। तत्पश्चात भगवान ने बुद्ध का रूप धारण किया, बुद्ध अवतार लिया। उसके पश्चात कलयुग का जब अंत होगा, जब कलयुग चरम सीमा पर पहुंचेगा, इस संसार सागर में जब धर्म नहीं रहेगा, अधर्म ही अधर्म होगा, तब मेरा प्रभु इस कलयुग में कलगी रूप में अवतार धारण करेंगे। बोलिए कलगी भगवान की जय हो। अरे हमारो मन कनको मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे।
भगवान क्या कहते हैं, यदि तूने लिया मेरा नाम तो आऊंगा मैं तेरे, नहीं लिया मेरा नाम तो फिर मैं रहूंगा अपने। बोलो श्राम राम, तो भगवान का नाम तो लेना पड़ेगा, भगवान का नाम हमको लेना पड़ेगा। लख 84 योनी भटका, लख 84 योनी भटका, फिर मानव तन ये पाया, और माया मोह में पड़ गया बंदे, राम नाम नहीं ले पाया। राम नाम को ले ले बंदे, होगी तेरी भली बली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आपके कुशवन ग्राम में 7 दिवस के लिए अब तो शोर मचाने आ गए।
सात दिवस के लिए शोर मचाने आ गए आपके कुशवंत ग्राम में कि भैया जाग जाओ, जगाने के लिए आ गए। जाग जाओ, यदि जाग गए तो समझो हमसे बेड़ा पार हो गया, आपके जीवन का उद्धार हो गया। बोलो श्रीराम जय राम। ऐसे भगवान ने 24 अवतार धारण किए। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म का वृतांत आता है, बहुत सुंदर वृतांत है। एक बार श्री शंकर जी महाराज मैया पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, आज मैं क्षीर सागर में प्रभु विष्णु के दर्शन करने के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर के भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर में प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक उसी समय नारद बाबा हिमालय पर्वत पर पहुंच जाते हैं। नारद बाबा ने मैया को प्रणाम किया, मैया के चरणों में बैठ गए, मैया को दंडवत किया। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्वते भय वस्त्राही नौ देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ऐसी मैया दुर्गा की, मैया पार्वती की स्तुति की, अनेकों अनेक प्रकार से वंदना की। दुर्गे दुर्ग विनाशिनी भयहारी माता मनोहारिणी कामाक्षी गिरिजा उमा भगवती बागेश्वरी योगिनी बंदौ सुंदर भैरवी सुललिता सिद्धेश्वरी रेणुका बाराही वरदायिनी गिरिसुता कुर्वन् तनो मंगलम। हे मैया, आपके चरणों में नमन है, बारंबार प्रणाम है। मैया पार्वती जी कहने लगी, अरे नारद, आज तो तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? नारद बाबा कहने लगे, अरे मैया, आज मेरे मन में एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। मैया कहने लगी, देखो नारद, प्रश्न इस समय मत पूछो, बाबा भोलेनाथ नहीं है। मैया से नारद बाबा कहने लगे, उसी समय तो मुझसे पूछना, मुझको पूछना है जब बाबा भोलेनाथ आपके साथ ना हो। मैया कहने लगी, तो पूछ। नारद बाबा कहने लगे, अच्छा मैया, एक बात बताओ। मैया कहने लगी, क्या? अच्छा मैया, एक बात बताओ, बाबा भोलेनाथ आपसे कितना प्रेम करते? मैया पार्वती कहने लगी, बारे बाबा, तू तो बाबा है, पत्नी और पति के प्रेम को क्या जाने, तू तो सन्यासी है, बाल ब्रह्मचारी है, अरे तुझे प्रेम के चक्कर में किसने पाड़ दिया? मैया से नारद बाबा कहने लगे, देखो मैया, प्रेम ही सबसे बड़ा सार है। इस संसार सागर में यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आज तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपसे बाबा भोलेनाथ कितना प्रेम करते हैं। नारद बाबा के वचनों को सुनकर के मैया पार्वती जी कहने लगी, बाबा भोलेनाथ तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि सागर में भी इतना जल नहीं। अच्छा मैया, तो फिर तो हर बात को बताते होंगे, कोई बात छुपाते नहीं होंगे। जो पति अपने पत्नी से अधिक प्रेम करता है वो फिर कोई बात को छुपाता नहीं है। आपकी नहीं कह रहा हूं मैं, नहीं जे कहो कि भाई महाराज हमारी तो नहीं कह रहे। जो पति अपनी पत्नी से अधिक स्नेह करता है वो अपनी पत्नी से कोई बात छुपाता नहीं, और जो पत्नी भी अपने पति से अधिक प्रेम करती है वो भी कोई बात छुपाती नहीं है। आपके लिए भी है, नहीं जे कहो कि अकेले पुरुषों के लिए है, सबके लिए है। अच्छा तो मैया एक बात बताओ, बाबा भोलेनाथ के गले में जो 108 नर मुंडों की माला पड़ी है उसकी कभी आपको कहानी, कभी कथा, कभी वृतांत आपको श्रवण कराया? मैया ने कहा, हाँ, कभी नहीं कराया, तो बाबा भोलेनाथ हमसे प्रेम नहीं करते, झूठा मूठा करते। दिखावटी प्रेम करते हैं, बस आग लगा करके नारद बाबा तो चले। कुछ समय पश्चात बाबा भोलेनाथ आए। जब भोलेनाथ आए तो मैया पार्वती मैया बड़े बड़े गाल बना करके बैठी थी, गाल फलाए के।
जब पत्नी यदि अधिक गुस्सा हो तो बड़ो बड़ो मुंह बना ले, बहुत बड़ो बड़ो, जब बड़ो बड़ो मुंह पत्नी मुंह बना ले तो समझ लो कि जब गुस्सा है, और थोड़ी बहुत गुस्सा नहीं, ज्यादा गुस्सा है। भगवान ने कहा, अरे पार्वती कुछ तो कहो। भगवान सामने आए तो मैया पार्वती जी एक साइड, भगवान भोलेनाथ इस तरफ आए तो मैया पार्वती इस तरफ हो गई, भगवान भोलेनाथ इस तरफ आए तो मैया पार्वती पीठ करके बैठ, अनेकों अनेक प्रकार से मैया पार्वती को समझाया, लेकिन मैया पार्वती मानने वाली नहीं है। राजहट, बालहट, उत्तरिया हट, ये तीन हट सबसे बड़ी है। राजा यदि हट में पड़ जाए तो मृत्यु दंड दे ही देगा, बालक यदि किसी हट में पड़ जाए कि हम तो बर्फी चाहिए या खिलौना चाहिए तो बालक को दिलाना ही पड़ेगा, ऐसे ही यदि कहीं पत्नी हट में पड़ जाए कि हमको तो चिफार चाहिए तो बंद बांधो ही पड़ेगा, चाहे भले तुम्हारे घर में पैसा हो अथवा ना। अनेकों अनेक प्रकार से समझाया लेकिन मैया पार्वती नहीं मानी। बाबा भोलेनाथ ने अपने नंदीश्वर भगवान से कहा, अरे नंदी ये तो बताओ मेरे जाने के पश्चात कोई यहाँ आया था क्या? नंदीश्वर ने कहा, हाँ प्रभु आप गए और नारद बाबा आए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बारे नारद तेरे यहाँ तो कोई पत्नी है ही नहीं और तू मेरी पत्नी से और लड़ाई करवा। मैया से बाबा भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती सुनाओ, मैं समझ गया कि कुछ नारद आपके कानों को भर करके चले गए हैं, लेकिन आपके मन की जो अभिलाषा हो आज मैं उस अभिलाषा को अवश्य पूरा करूं। मैया पार्वती कहने लगी, प्रभु मैं जानती हूं कि आप मुझसे अनंत प्रेम करते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, अब तो मैं महंत हो गया। जब अनंत प्रेम हो जाता है तो वहां पर फिर कुछ खटास नहीं रहती। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती मैं तो तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ, तो प्रभु फिर आपने आपके गले में जो नर मुंडों की माला है उसकी कथा आपने कभी भी श्रवण नहीं कराई। बाबा भोलेनाथ ने कहा, अरे पार्वती एक दो बार नहीं, अरे कई कई बार, हर जन्म में मैंने आपको कथा श्रवण कराने की चेष्टा की लेकिन आपने उस कथा को श्रवण ही नहीं। बोलो श्राम जय राम, बोला करो, बोलो श्राम जय राम, जय जय राम। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे कितनी कितनी जोर से बोला, आप नहीं बोला ना, वो पीछे से माताएं बहने बोलती, बोलो श्राम जय राम, जय जय राम। जा से बनते बिगड़े का और जाको राम धनी बाके, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चलो पार्वती आज आपके लिए पुनः उन नर मुंडों की माला की कहानी उसकी कथा श्रवण कराते हैं, उस कथा को अमर कथा कहते हैं। भगवान ने अपने गणों को हिमालय पर्वत पर छोड़ा, मैया पार्वती जी को साथ में लेकर के अमरनाथ की गुफा में जाते हैं और अमरनाथ की गुफा में जाकर के भगवान ने अपना डमरू बजाया और जहां डमरू की आवाज से जितने भी जीव थे वो सब निकल जाते हैं। इस प्रकार की मार्कंडेय पुराण में कथा आती है कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी मैया सुख और तोते का रूप धारण करके उस गुफा में प्रवेश करते हैं और उस गुफा में प्रवेश करने के पास वह सुख और मैना एक अंडा रख करके वहां से निकलने के लिए जब तैयार होते हैं तो मैना कहती है यदि हम यहाँ से निकल गए तो यह अंडा खराब हो जाएगा, तो उसमें गर्मी दे करके उसके अंदर जीव पड़ जाता है और उस जीव को छोड़ करके राधा और कृष्ण वहां से निकल जाते हैं। वह जीव बड़ा हो गया। भगवान ने सात दिवस कथा सुनाई। भगवान ने कहा, हे पार्वती तुम हुंका भरते रहना, यदि हुंका भरती रहोगी तो मुझे ये आभास होता रहेगा कि तुम कथा को श्रवण कर रहे। पहले दिन की कथा हुई,
दूसरे दिन की कथा हुई, मैया हुका भरती रही। तीसरे दिन की कथा हुई, मैया हुका भरती रही। चौथे दिन की कथा हुई, मैया हुका भरती रही। और चौथे दिन की कथा के पश्चात मैया को पांचवें दिन की कथा में निंद्रा आ गई, नींद आ गई। मैया पार्वती सो गई। सात दिवस तक मेरे बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती जी को कथा सुनाई और कथा श्रवण कराने के पश्चात मेरे बाबा भोलेनाथ ने जैसे ही श्री कृष्ण चंद्र भगवान के नाम का जयकारा लगाया, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मैया पार्वती जी की निंद्रा खुली और मैया पार्वती जी कहने लगी, अरे प्रभु वो कृष्ण जन्म के बाद क्या हुआ, वो कृष्ण जन्म के बाद क्या हुआ। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, तो फिर तुमने कथा श्रवण नहीं की। नहीं प्रभु, मुझे तो निंद्रा आ गई। भगवान ने अपना त्रिशूल लिया, वह सुख का तोता उड़ता हुआ जा रहा है, चारों दिशाओं में भाग रहा है, सभी लोकों में जाता है। त्राही माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन भगवान भोलेनाथ के कोप से बचाने वाला इस संसार सागर में कोई दूसरा है ही नहीं। तो फिर भगवान के कोप से कौन बचा सकता है पुत्र को, केवल एक माँ। मात्र समम नास्ति छाया, मात्र समम नास्ति तपः, मात्र समम नास्ति दानम, मात्र समम नास्ति दया। व्यासी महाराज की पत्नी जिनका नाम था अरुणी मैया, ऐसी अरुणी मैया गंगा नदी में स्नान करके गंगा मैया को अर्घ दे रही थी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रही थी। सुख का वह बालक मैया के पास गया और कहने लगा, मैया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे ही अरुणी मैया ने सुख के जो बालक था उसके मुख से माँ शब्द सुना, मैया शब्द सुना, उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी और कहा, हे पुत्र मैं तेरी अवश्य रक्षा करूंगा। मैया ने अपना मुख फाड़ा और जैसे ही मुख फाड़ा हुआ सुख का बालक मुख के द्वारा अंदर उदर में प्रवेश कर जाता है। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल आता है, कहता है, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी कुटिया के अंदर एक चोर है। मैया कहने लगी, उसने तुम्हारा क्या चुराया, क्या डमरू चुराया, भंग चुराई, गांजा चुराया, अफीम चुराई, धतूरा चुराया, बिल पत्र चुराया, क्या चुराया। भगवान कहने लगे, उसने हमारी कथा की चोरी की। मैया कहने लगे, अरे कथा की ही तो चोरी की है। भगवान भोलेनाथ वहां से वापस चले जाते हैं और वह बालक मैया के उदर में बढ़ने लगता है। 9 महीने बाद माताओं के गर्भ से बालक का जन्म होता है, लेकिन उस बालक को 1 बरस हो गया, 2 बरस हो गए, 3 बरस हो गए, 4 बरस हो गए, 5 बरस हो गए, 6 बरस हो गए, लेकिन वह बालक निकला नहीं। 12 वर्ष पश्चात वह बालक मैया के गर्भ से बाहर निकलता है और वह बालक जो नाड़ा रहता है, नरा रहता है, उसको अपनी कमर में लपेट करके वह सुख का बालक मधुबन में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगता है। व्यासी महाराज पीछे पीछे दौड़ते हैं, अरे पुत्र रुक, तेरे मुख का चुंबन तो करने दे, मैंने तो तेरे मुख के दर्शन भी नहीं किए। वह बालक कहता है, नहीं पिताश्री, मुझे तो केवल भगवान का भजन करना है, इस संसार सागर में मुझे ज्ञान देना है, जो मैंने छोटे से रूप में सुख के रूप में जो कथा श्रवण की है, उस कथा को इस संसार सागर में मुझे श्रवण कराना है, जिससे इस संसार सागर के भक्तों के दुख दूर हो सके। जो मैंने अमर कथा श्रवण की है, वह अमर कथा क्या है, श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। अमर कथा क्या है, श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। शिव पुराण में वृतांत है, शिव पुराण का जो सती पर्व है उसमें वृतांत है कि बाबा भोलेनाथ ने 7 दिवस तक अमर कथा श्रवण कराई।
और सात तमस की इस संसार सागर में कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ। तो ये इसका प्रमाण है कि अमर कथा और कोई दूसरी कथा नहीं, अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा ही है। नंद नंदन वन में तपस्या करते हैं, कुछ समय पश्चात जब बड़े हो जाते हैं अपनी मैया के घर आते हैं। व्यास जी महाराज उस बालक का नामकरण करते हैं और उस बालक का नाम सुखदेव रखा जाता है। बोलिए सुखदेव जी।